घर पर मैंगो पुडिंग बनाना बहुत ही आसान है। इतना डिलीशियस बनता है कि बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो करना क्या है आपको, मैंगो का सीजन तो चल ही रहा है, तो आपको सबसे पहले लेना है मैंगो। आप पके हुए किसी भी तरह के कोई भी वैरायटी के मैंगो ले सकते हैं। उससे पहले एक स्टेप करना जरूरी है, तो चलिए बताते हैं। तो कढ़ाई में मैंने आधे कटोरी यानी कि 4 चम्मच शक्कर डाल दिया है। उसे हमें कैरेमलाइज करना है, तो इस तरह धीरे से लो फ्लेम पे चलाते हुए इसे इसका कलर चेंज होने तक कैरेमलाइज करेंगे। फिर एक किसी बर्तन में या किसी मोल्ड में इस तरह से हम पोर कर देंगे। और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ये स्टेप थोड़ी सी जल्दी करना पड़ता है। तो इस तरह से पोर करते हुए हम चारों साइड से इक्वली फैला लेंगे, और ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है, ड्राई भी हो जाता है। तो बस इस तरह से हम फैला लेंगे और इसे साइड रख देंगे। 2 आम को छीलकर अच्छे से धोकर छीलकर इस तरह से पल्प निकाल लिया है, उसे मिक्सी के जार में डाल दूंगी। मिक्सी के जार में साथ में ऐड करूंगी 4 से 5 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा दूध, और ब्लेंड कर लेंगे। फिर उसी कढ़ाई को हम धोकर गैस पर रखेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और ये सारा पल्प हम उसमें डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर उसकी स्लरी बना लेंगे। ये हमारे मैंगो पल्प को थोड़ा सा थिक होने में मदद करेगा। तो स्लरी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम मैंगो पल्प में ये स्लरी डाल देंगे और कंटिन्यूस इसे गाढ़ा होने तक इसे चलाएंगे। गाइस, ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये मैंगो का जो पल्प है ठीक हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ये सारा पल्प हम डाल देंगे इस बोल में। ये देखिए, पल्प इतना ठीक होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। तो बस इसे ठंडा होने देंगे, फॉइल पेपर से हम इसे कवर कर लेंगे और फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद फिर इसे निकाल लेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाता है। और देखिए, ये हमारी मैंगो पुडिंग बनकर तैयार हो गई है। तो देर किस बात की, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।